बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरोजा सैफुल्ला, न्यूज़ 360 से। जी हाँ बिल्कुल जनाब, हम जब भी न्यूज़ 360 पे आते हैं, चाहे लाइव आएँ या रिकॉर्डेड प्रोग्राम के ज़रिए आएँ, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर होते हैं। आज भी बिल्कुल एक नया टॉपिक है, वो इंटरटेनमेंट के हवाले से है। जब मीडिया की बात की जाए, ड्रामा सीरियल्स की बात की जाए, फिल्म की बात की जाए और उस पर डिस्कशन ना की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे माशरे में बनने वाले जो ड्रामा सीरियल्स हैं वो बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। गोया के पिछले जो हमारे ड्रामास देखे जाते थे वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करते थे और आज भी लोग याद करते हैं, जिनमें से धूप किनारे, नंगे पांव, हवाएं, इस टाइप के, मारवी, बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं, ड्रामा सीरियल्स, जो आज भी मकबूलियत का शिकार हैं और आज भी लोग अगर लग जाए तो लोग देखने से पीछे नहीं हटते। तो इसी तरह कुछ आज की जनरेशन के हवाले से भी, आज के माशरे पर भी ड्रामा बनना शुरू हो चुके हैं और जिनमें से बहुत ही कुछ ड्रामे ऐसे सिलेक्टिव हैं, चाहे वो हम दिखाएं, न्यूज़ ARY दिखाएं या कोई और चैनल दिखाए, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर न्यूज़ में डिस्कशन ज़रूर आ जाती है। जी हाँ, इंटरटेनमेंट की बात की जाए, आज मैं जिस ड्रामे की बात कर रही हूँ वो है मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र ड्रामा बिल्कुल उस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, ख़ुद मुझे बहुत पसंद है और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी उठाई गई है। जबकि गोया देखा जाए तो वो फैमिली ही की एक स्टोरी है, लेकिन उस फैमिली की स्टोरी में ही बहुत सारी बातें हैं, जबकि देखने वाले ये समझ सकते हैं कि उसमें कितने सारे वेज निकलते हैं आपकी तरबियत के और आपकी बहुत सारी चीज़ों को सीखने के। इसमें बड़े बड़े लोग कास्ट किए गए, बड़े बड़े एक्टर्स इसमें कास्ट किए गए, लेकिन इनमें बिल्कुल सामने आने वाले कास्ट में से हैं वो हमारे फरहान सही साहब हैं और हानिया बिल्कुल हैं, हानिया आमिर। तो ये दोनों जो है मेन करेक्टर हैं, हीरो हीरोइन का करेक्टर अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए अगर इस ड्रामे सीरियल के हवाले, बिल्कुल मैं आपको स्टोरी बिल्कुल भी नहीं सुनाऊँगी और ये नहीं कहूँगी कि स्टोरी किस तरह से चली और किस तरह से आई, लेकिन इसका बैकग्राउंड बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिलेट करता है हमारे बच्चों की और हमारी पर्सनालिटी से। जी हाँ बिल्कुल, जब आप घर में कुछ इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ सास बहुएँ और बहुत सारे बेटे मौजूद होते हैं, तो सासें अक्सर जो है आप किरदार अदा करती हैं, बहुत ज़ालिमाना किरदार अदा करती हैं, बहुत ही ओवर लीडर बनकर बात करती हैं घर में और कभी कभी जुल्म की दास्तानें चला देती हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ, तीन बेटे हैं जिनमें से बड़ी बहू के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत हरकतें की, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, उनको डांटना, मारना, पीटना और उनके साथ मामला गड़बड़ रखना और नेगेटिव काम करते रहना, उसकी वजह से जो है बिल्कुल उनका जो जहन था उनकी बड़ी बहू का, वो बड़ी क्रिमिनल माइंडेड हो गई और क्रिमिनल माइंडेड होने के साथ साथ वो उन्होंने एक तौर पर सोचना शुरू कर दिया कि मैं भी आने वाली बहू के साथ या आने वाले के साथ मैं जिस तरह भी बिहेव करूँ वो मेरा हक होगा। तो इसी तरह अगर देखा जाए, इसी इसना में अगर इसको मैं शॉर्ट करूँ इस ड्रामे की स्टोरी को, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो तीनों बेटे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें एक बेटा जो है वो बाहर चला जाता है अपनी बीवी को और अपनी एक अदद बेटी को, जो बेटी है हानिया आमिर है। तो हानिया का करैक्टर, हानिया जो है करैक्टर में है हाला के, तो हाला जो है वो बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रही हैं और मुझे ख़ुद बताते वो करैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारा सा है, लेकिन उसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हाला के किरदार अदा कर रही हैं। और फरहान सईद का जो किरदार है वो एक बहुत ही प्यारा हस्बैंड भी दिखाया जा रहा है और बेटा भी वो बहुत फरमाबरदार दिखाया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर मैं कनेक्ट करूँ एक बात लेकर कि जब हमारी फैमिलीज़ में कोई भी मामलात होते हैं, हमारे रिश्तों में कोई भी बातचीत होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर भी ज़रूर आता है, हमारी जो जनरेशन के लोग होते हैं, हमारे हमसे छोटे जो बच्चे होते हैं, हमारे सामने जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में मौजूद होते हैं, ख़ासकर जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चे अपनी जो है या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ शार्प हो जाते हैं या वो बिल्कुल दब के रह जाते हैं। उसमें से करैक्टर एक हाला का भी है। जी हाँ बिल्कुल, उनके वालिद मोहतरम उसको बहुत छोटा छोड़ के और बाहर मुल्क की तरफ चले जाते हैं, रवानगी इख्तियार करते हैं और ये रोती हुई अपने बाबा को याद करती है, अपनी माँ को याद करते हुए, जो कि माँ इस दुनिया में नहीं रही होती और बाप बाहर चला जाता है और वहाँ जाकर उसने शादी कर ली होती है और बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जहाँ उनको एक बेटी भी उनके पास होती है। लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हाला के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूटते रहे, वो यहाँ पर इस घर में मौजूद होने के बावजूद भी इनसिक्योर रही,
गई जबकि उसके ताया मौजूद थे और उसकी दादी मौजूद थी, उसकी ताई अम्मी मौजूद थी, सब लोग मौजूद होने के बाद भी। लेकिन अल्लाह ताला का करम कुछ इस पर इस तरह से होता है कि उसकी ज़िंदगी में दादी जो है उससे बहुत मोहब्बत करने लग जाती हैं और उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझने लगती हैं, और साथ ही साथ एक मामला जो उसके करेक्टर पर उठता है, वो बच्ची जो पूरे बचपन से मोहब्बत के लिए तड़पी हुई थी, तरसी हुई थी, उसको किसी ने मोहब्बत दी और वो उसके फ्रेंड का जो है मंगेतर होता है, उसने उसको झूठी मोहब्बत दी, झूठे जाल में फंसाने की कोशिश की, वो उसमें करैक्टर में यानी उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, क्योंकि हाला एक मासूम तबीयत लड़की होती है और उसको मोहब्बत की वो भूखी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट से वो उसके जाल में फंस जाती है और जहाँ के उसमें करैक्टर का भी मामला सामने आने लगता है। यहाँ एक बात बहुत पॉइंटेबल है जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स से भी और तमाम उन लोगों से भी जो अपने बच्चों को छोड़ के बाहर चले जाते हैं या उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रख लेते हैं। वो मामलात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं उनकी पर्सनैलिटी को लेकर, वो पर्सनैलिटी उनकी जो है डिसऑर्डर हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो हाला में भी ऐसी ही फेयर, ऐसा ही डर पाया गया है और वो किसी भी बात को लेकर क्लियर नहीं होती, कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर सकती। साथ ही साथ वो उस खौफ में मुब्तला है कि मुझे मोहब्बत करने वाला छोड़कर ना चले जाए, चाहे वो बाप हो, माँ हो या उसके घर में दादी हो। ये तमाम चीज़ें देखते हुए अगर देखा जाए तो हाला वो एक बच्ची है जो हमारे और आपके घर में हो सकता है पढ़ रही हो सकता है मौजूद हो सकता है उसका बाप परदेश में हो सकता है उसकी माँ और वो यहाँ पर घर पर एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हो सकता है उसकी माँ सिंगल पेरेंट हो। तो इसी तरह लेकिन बच्चे को अगर सोचा जाए तो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए आपको उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बाप दूर बैठे हों या करीब मौजूद हों। बाप और माँ का बात करना बच्चों से बहुत ज़रूरी होता है, उनको सिक्योरिटी फराम करना कि उनको मोहब्बत देना, उनको ये ख्याल करना कि हम आपको चाहते हैं या हम आपको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच के लिए हम बाहर नहीं आए या मटेरियलिस्टिक अपने आप को समझ कर उनको छोड़ देना कि सिर्फ पैसा कमाना और पैसे से उसको फिर आगे लेकर उसका बाप चलने की कोशिश करता है। वो बचपन यहाँ गुजरती है, साथ ही साथ उसको पैसे वहाँ से बाहर से भेजते रहते हैं, साथ ही साथ वो पढ़ाइयाँ भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जब उस पर एक मामला खड़ा होता है उसके करैक्टर को लेकर, तो फरहान सईद जो उनके शौहर हैं, जो बहुत ही खूबसूरत किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग के साथ वो उसको हाथों हाथ लेते हैं और बहुत ही मोहब्बत से उसको थामते हैं और उसके साथ उसका निकाह कर लेते हैं, उस अपना निकाह कर लेते हैं। साथ ही साथ जो उसके बाद उसकी माँ जो शाहजहाँ वो एक्ट करती हैं, वो बड़ा ही ज़ालिमाना बहुत तकलीफ़ देह होता है और उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम उस पर नहीं लगाया और क्या चीज़ उन्होंने नहीं पैदा की कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश आ जाए या दरार पड़ जाए और इन दोनों का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ ये मैसेज एक और क्रिएट होता है कि वालिदैन भी अपना आप अपना करैक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से इख्तियार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। उनकी ज़िंदगी है, वो जिस तरह गुजारना चाहें, वो जैसे करें, आप उनको सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, लेकिन आप गलत चीज़ें उनके ऊपर थोप नहीं सकते। अगर आपका बेटा अपनी बहू अपनी बीवी से मोहब्बत करता है यानी आपकी बहू से मोहब्बत करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। जो आपकी बेटी से अगर आपका दामाद मोहब्बत करता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आपका बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो आपके बर्छियाँ चल जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस ड्रामे में बहुत खूबसूरती के साथ दिखाई गई हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही पॉइंटेबल जो इसमें मीनिंग है वो ये है कि शौहर जब बीवी का साथ देता है तो बहुत सारे पड़ाव पार कर लेता है और मोहब्बत के ज़रिए वो हर चीज़ को फतह कर लेता है। तो इसी ड्रामे में, इसी चीज़ इस सीरियल में पूरी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है और होपफुली कि इस स्टोरी का एंड भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा हो, क्योंकि उनके घर में अब खुशी आने वाली है, उसको सस्टेनेबल वो रहती है या नहीं रहती, ये चीज़ तो बिल्कुल आगे चल के आपको पता चलेगी। और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करती रहूँगी इस ड्रामे के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।